किडनी रिक्वायर, KIDNEY, किडनी रिक्वायर, REQUIRE, किडनी रिक्वायर मोर देन, किडनी रिक्वायर मोर देन 12,000, 1200 लीटर, 12,000 लीटर या 1200 लीटर, 1200, 1200 लीटर, किडनी रिक्वायर मोर देन 1200 लीटर सॉल्यूशन इन अ वीक, किडनी रिक्वायर मोर देन 1200 लीटर सॉल्यूशन इन ए वीक, यानी कि एक वीक में अगर आप डायलिसिस हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड आपको सॉल्यूशन होगा उसकी मात्रा कम से कम 1200 लीटर होनी चाहिए, ठीक है। 1200 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, बट 1200 लीटर तक आप एक हफ्ते में फ्लूड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यह यूज़ हो जाता है, कर नहीं सकते, हो जाता है। अब जो फ्लूड होता है उसमें क्या क्या होता है वो लिखिए, हेडिंग लिखो कंपोजिशन ऑफ फ्लूड, कंपोजिशन ऑफ फ्लूड, फ्लूड की कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ फ्लूड लिखो, फर्स्ट क्या होता है इसमें ऐसे लिख देना इधर, नेम और क्वांटिटी, एक तरफ लिख देना नेम, एक तरफ लिख देना क्वांटिटी, नेम और क्वांटिटी। तो नेम में लिखो क्या होता है उसमें, पहला डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, DEXTROXE, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, क्वांटिटी में लिख देना इसकी 8 ग्राम, 8 ग्राम होता है। नेक्स्ट लिखो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, SODIUM, सोडियम एसीटेट, ACETATE, ये लिखो 19 ग्राम, 19 ग्राम होता है ये, 19 ग्राम। नेक्स्ट लिखो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, LACTIC, लैक्टिक एसिड, ये होता है 0.4 ml, 0.4 ml। नेक्स्ट लिखो सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका NaCl, NaCl होता है 22.25 ग्राम, 22.25 ग्राम, NaCl होता है आपका 22.25 ग्राम, ठीक है, 22.25 ग्राम। नेक्स्ट लिखो पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है KCl, के फॉर काइट, KCl, ये होता है आपका 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम। और लास्ट लिखो वाटर, वाटर, वाटर लिख देना QS, क्वांटिटी सफिशियंट, यानी कि जितना आपको चाहिए होता है उतना ही उस हिसाब से आप डाल लेंगे, QS, ठीक है, वाटर होता है आपका QS। तो ये आपका खत्म होगा हीमोडायलिसिस। अब नेक्स्ट सेकंड लिखो इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस, INTRA, इंट्रापेरिटोनियल, PERITONEL, इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस, DIALYSIS, इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस लिखो इसमें। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, देखो बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, कुछ नहीं होता, सॉरी मींस जैसे आपने हीमोडायलिसिस पढ़ा, हीमोडायलिसिस में आपने क्या देखा कि बाहर से एक हम आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जैसे सपोज सपोज ये आपकी वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, इधर से आपके बॉडी से फ्लूड आ रहा है, ठीक है,
बट जो इधर से निकल रहा है वो क्या है, वो आपका प्योर निकल रहा है। देखो यहाँ से तो आपकी बॉडी वाला इम्प्योर आ रहा है ये, ठीक है, अंदर इसमें कुछ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपका प्योर ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हमने बाहर से एक चीज़ लगाई है, आर्टिफिशियल इसलिए तो लिखा हमने। बट इंट्रापेरिटोनियल में क्या होता है, देखो इंट्रापेरिटोनियल हमारी बॉडी में पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी होती है ना इधर, ठीक है। तो जो ये पेरिटोनियल कैविटी होती है ये इसकी जगह काम करती है, फिर इस मेम्ब्रेन की जगह, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की जगह, ठीक है, और कुछ नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। तो बस एक वर्ड चेंज होता है कि इंट्रापेरिटोनियल कैविटी एक्ट एज आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपकी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन थी उसकी जगह आपकी इंट्रापेरिटोनियल कैविटी काम करती है। फिर लिखो आगे देखते हैं, लिखो इन दिस मेथड द पेरिटोनियल कैविटी एक काशिफ जी, पेरिटोनियल कैविटी क्या होया? हड्डों के बीच में को डायलिसिस में होना या हाँ, आवाज मैंने म्यूट करी थी। लिखो इन दिस मेथड द पेरिटोनियल कैविटी इज रिप्लेस विद In this method, the peritoneal fluid is replaced with dialysis fluid. DIALYSIS, dialysis fluid. आपका जो dialysis fluid था उसमें अंदर, उसकी जगह क्या होता है, हमारी intraperitoneal cavity ये act करती है, ठीक है। एंड इसमें लिखना कंटिन्यू, एंड पेरिटोनियम PERITONIUM एंड पेरिटोनियम एक्ट एज SPM कैपिटल में लिखना, कैपिटल SPM अब ब्रैकेट में लिखो क्या होता है SPM, पढ़ा होगा आपने SPM तो सबने, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल। एंड पेरिटोनियम एक्ट एज SPM, ब्रैकेट में लिख देना SEMI सेमी परमीएबल PERMEABLE परमीएबल मेम्ब्रेन, S से सेमी, P से परमीएबल, M से मेम्ब्रेन, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ब्रैकेट क्लोज कर देना। पेरिटोनियम एक्ट एज SPM टू रिमूव टॉक्सिक सबस्टांस, ठीक है। बाकी इसमें सब सेम रहेगा, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना होगा तो वहीं से लिख देना, बाकी नीड होती नहीं, ठीक है। डायरेक्ट हेडिंग लिखो कंपोजिशन ऑफ फ्लूड, इसके फ्लूड का कंपोजिशन क्या होता है, लिखो NaCl, ऐसे लिख देना, नेम एंड क्वांटिटी। नेम में लिखो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है आपका 6 ग्राम, 6 ग्राम होता है आपका NaCl। नेक्स्ट लिखो सोडियम एसीटेट ACETATE सोडियम एसीटेट 4.6 ग्राम, 4.6 ग्राम। नेक्स्ट लिखो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या आई मीन कितनी क्वांटिटी समझानी बेटा, मैं फ्लूड कितना एक लीटर, अच्छा तुम वो कह रहे हो जैसे उसमें 1200 लीटर था,
तो वो से मैंने क्या कहा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपका, एसपीएम की जगह आपकी पेरिटोनल कैविटी आ रही है बस, बाकी सब सेम रहेगा ये। लीटर में इतना मटेरियल यूज होता है। अरे लास्ट में हमने क्या लिखा, वाटर, वाटर लिखा हमने क्यूएस, तो क्यूएस क्वांटिटी सफिशिएंट के लिए है। वो 1200 लीटर हम बना नहीं रहे हैं। ऐसा है देखो, सपोज मेरी डायलिसिस हो रही है, भगवान करे हो ना कभी, ठीक है चलो, तोसीफ की डायलिसिस हो रही है, ठीक है सर तोसीफ, मुझे क्यों पता, चलो कादिर की डायलिसिस हो रही है, सर बिरयानी खुला गई मान। अच्छा ये भी है सुहेल, चलो सुहेल की हो रही है, मेरे घर तो जी कोई बात नहीं। देखा ये स्पीड होनी चाहिए, प्रैक्टिकली तैयार रहना चाहिए, फार्मेसी का स्टूडेंट है ना। चलो खैर, भगवान करे किसी के ना हो, ठीक है मजाक है। तो देखो सपोज जैसे किसी की भी डायलिसिस हो रही है आपकी, तो उसको जो हमें एक दो एक बार तीन बार चार बार डायलिसिस करनी पड़ती है, हम उसके हिसाब से जो फ्लूड बना रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो वो यूज़ हो सकता है वो आपका, अगर पूरे हफ्ते अगर आपकी डायलिसिस हो रही है एक एक हफ्ते 7 के 7 दिन, तो 1200 लीटर तक आपका फ्लूड यूज़ हो सकता है। अब वो तो हम हमारे ऊपर है, हम कितना बना रहे हैं, क्वांटिटी की मात्रा हमारी ये है, ये पर 100 ग्राम में मात्रा होती है, जैसे 6 ग्राम है जो ये, तो ये 100 ml के लिए है, ठीक है उसी तरह 1000 ml के लिए ये आपका 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 10 = 60, जो ओके हम, सर मैं यही पूछ हाँ जो हम बेस लेते हैं वो बेस हम हमेशा 100 के लिए लेते हैं, परसेंटेज और सॉल्यूशन हमेशा हम बेस 100 मान के करते हैं, तो बस आपको जितना बनाना है उसका उतने इनटू गुना कर देना आप। NaCl 6 ग्राम, सोडियम एसीटेट 4.6 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम मैग्नीशियम एसीटेट, है सोडियम एसीटेट की 4.6 ग्राम, सोडियम एसीटेट आपका 4.6 ग्राम। नेक्स्ट लिखो सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, सोडियम SODIUM, सोडियम मेटा META, मेटा बाई BI, नोट Y, BI, सोडियम मेटा बाई सल्फाइट SULPHITE, सोडियम मेटा बाई सल्फाइट ये भी 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम। नेक्स्ट डेक्स्ट्रोज 17 ग्राम, 17 ग्राम डेक्स्ट्रोज आपका 17 ग्राम, और लास्ट वाटर QS, वाटर है आपका QS, क्वांटिटी सफिशिएंट, जितने हमें चाहिए होती है उतनी हम क्वांटिटी ले लेंगे, दैट इज QS, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिख दो, एक लास्ट पॉइंट है बस, फॉर बोथ टाइप ऑफ डायलिसिस, फॉर बोथ टाइप ऑफ डायलिसिस BOTH, बोथ टाइप ऑफ डायलिसिस DILYSIS, फॉर बोथ टाइप ऑफ डायलिसिस द सोल्यूशन मस्ट बी स्टरलाइज, द सोल्यूशन मस्ट बी स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव, सोल्यूशन मस्ट बी स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ये आपका डायलिसिस भी खत्म हो गया, दो यूनिट दो टॉपिक आपके छोटे से रह रखे थे, TPN और डायलिसिस आते नहीं है कभी, बट बाय चांस आ जाएं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ने में ठीक है, हमने अपनी तरफ से सेफ कर लिया है सब, देख लेना इसमें से समझने का कुछ है नहीं, ठीक है। बस आपको मेन ये पता होना चाहिए डायलिसिस क्या है, वो आप सब भली भांति जानते हैं, जब आपकी किडनी या रीनल कुछ इस तरह फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, ठीक है, तो जो आप बाहर से ठीक है चीज़ें उसको प्रदान करते हैं वो डायलिसिस होती है, दो तरह की होती है आपकी, हीमोडायलिसिस और इंट्रापेनेटोनियल। हीमोडायलिसिस क्या होता है, आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड से आप टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकाल देते हैं, आपका प्योर ब्लड होके फिर दोबारा आपकी बॉडी में चला जाता है, वो उस फ्लूड का कंपोजिशन क्या होता है वो हमने देख लिया था। इंट्रापेरिटोनियल क्या होता है कि बस जो आपकी वहाँ पे आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है उसकी जगह हमारी बॉडी ही काम करती है, हमारी खुद की बॉडी ही इंट्रापेरिटोनियल बॉडी काम करती है, बाहर से आपका सोल्यूशन आएगा, वेन्स में आपकी हड्डियों के बीच में होती है हमारी इंट्रापेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, वहाँ से आपका सोल्यूशन निकलेगा, ब्लड प्योर होकर आपकी दोबारा फिर से बॉडी में चला जाएगा,
ठीक है, इसका कंपोजिशन हमने देख लिया क्या होता है, और आपकी ये दोनों दोनों सॉल्यूशन ठीक है प्रॉपर स्टराइज होना चाहिए ऑटोक्लेव में, ठीक है। ये होती है आपकी डायलिसिस। अब नेक्स्ट चैप्टर से एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे हम। सर इस यूनिट के दो ही टॉप? नहीं बाबू, इसमें वो भी हो चुके। हाँ बताओ। स्टेबिलिटी टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट, पर्टिकुलर मॉनिटरिंग। तुम्हारे पीछे शोर आ रहा है तोसिफ, बहुत तुम्हारे पीछे शोर आ रहा है तोसिफ। सर दो दिख रहे हैं, टेस्ट ओके और दूसरा मुझे टेस्ट कर देना, तुम मैसेज कर देना जो रह रहा होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके सर, मैं रखते हैं आज इसके नोट्स, अगर अभी नहीं लिखे हैं तो मैं अभी आपको फोटो क्लिक करके डाल देता हूँ, वैसे मैं लास्ट में डालता हूँ, पूरा पीडीएफ डालूंगा ऐसे सेन लेने का। अब दो टॉपिक जैसे तौसीफ कह रहे रह रहे हैं, तो वो दो टॉपिक पूरा कराने के बाद पूरे ही चैप्टर के पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा जैसे हमेशा करता हूँ, ठीक है। तो जिसका छूट रखा होगा वो अपने नोट्स वहाँ से बना लेना, ठीक है। ओके सर, हाँ ओके।